हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा सरकारी जॉब से संबंधित ही वीडियो लेकर आता हूं। और आज के इस वीडियो में आप सभी को बता दें कि 65वीं बीपीएससी का जो फ्री का आंसर की है वे जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, जाकर आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ जो आंसर की को देखते हुए जो 65वीं बीपीएससी का कट ऑफ मार्क्स कितना तक एफ्लोक्स जा सकता है, क्योंकि मेरे पास जो बहुत से बहुत कैंडिडेट वैसे हैं जो कमेंट किए हैं कि जो मेरा मार्क्स है इतना है। तो मैं उसी कमेंट को देखते हुए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को जो 65वीं बीपीएससी का कट ऑफ मार्क्स कितना तक जा सकता है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे एक लाल बटन है उसे दबाकर इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं हमेशा सरकारी जॉब से संबंधित आप सभी के लिए वीडियो लेकर आता रहूँ। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप सभी से बता दें कि जो मेरे पास अभी अभी हज़ारों कमेंट आ चुका है, और उस कमेंट में अपना अपना कैंडिडेट जो बहुत कैंडिडेट हैं जो अपना मार्क्स बताए हैं, जो फर्स्ट कमेंट आया है जावेद अख्तर का, जो इनका आंसर की को देखते हुए इनका जो राइट मार्क्स है 86 है और इनका कैटेगरी जो है EBC है। इसके बाद दूसरा जो कमेंट है AMR रॉक का, ठीक है, इनका जो मार्क्स है 101 है, जो OBC से संबंधित है। उसके बाद अगला कमेंट है प्रियांशु सिन्हा का, जो 103 है इनका, और ये जनरल कैटेगरी से है और फीमेल हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला जो कमेंट आया है जो ललन सिंह का आया है, ठीक है, इनका जो 95 जो मार्क्स आई है, जो ये है जनरल कैटेगरी से। इसके बाद अगला जो कमेंट है धर्मेंद्र ठाकुर का, ठीक है, इनका जो 100 मार्क्स जो सही है। तो इस तरह के हज़ारों कमेंट मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसी कमेंट को देखते हुए आज के इस वीडियो में आपको एफ्रोक्स कटअप बताने जा रहा हूं। और आपसे बता दें कि ये जो कटअप होगा फाइनली कटअप नहीं होगा, हम लोग अनुमान के द्वारा दोस्तों बता सकते हैं। ये हो सकता है कि मान लीजिए आप सभी को बता दें, मान लो 100, तो 100 में 5 प्लस हो सकता है या 5 माइनस भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, मैं आगे की तरफ देखता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो 65वीं बीपीएससी में टोटल जो वैकेंसी है 423 से 434 के बीच वैकेंसी है। इसके लिए 3 से 4 लाख अभ्यर्थी जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, और जो पेपर हुआ था टोटल 150 मार्क्स का पेपर हुआ था। उसके बाद अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। जो जनरल कैटेगरी का जो मेल के लिए कट ऑफ जाएगा 97 से 102 के बीच जाएगा, ठीक है दोस्तों। और फीमेल की बात करें तो 86 से 91 के बीच जाएगा, क्योंकि आप लोग 64वीं बीपीएससी का कटअप देख लीजिएगा और उसमें अधिक वैकेंसी है, फिर भी उनका जो कटअप गया था जनरल कैटेगरी का 97 गया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा जाकर कटअप, इसका फाइनल कटअप कितना तक गया है। और आप कमेंट भी देखे होंगे, जो हज़ारों कमेंट मेरे पास आए थे, और जो उसमें अधिक कमेंट 100 प्लस है, ठीक है, 100 प्लस है। इसके बाद अगर हम BC की बात करें फीमेल के लिए, तो 93 से 98 के बीच रहेगा, और फीमेल की बात करें तो 82 से 88 के बीच रहेगा। EBC की बात करें मेल के लिए तो 90 से 95 के बीच रहेगा, और फीमेल की बात करें तो 76 से 81 के बीच रहेगा। और ST की बात करें तो इनका जो कटअप रहेगा 90 से 94 के बीच मेल के लिए, और फीमेल का जो कटअप रहेगा 76 से 81 के बीच, ठीक है। और AC की बात करें तो 2 प्लस अधिक रहेगा, ठीक है, 2 इंच से अधिक रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह का जो इस बार 65वीं बीपीएससी का एफ्रोक्स कटअप हो सकता है। और आपसे बता दें कि ये फाइनल कटअप नहीं है दोस्तों, हम लोग जो अनुमान के द्वारा एक कटअप बता रहे हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें, और नीचे एक लाल बटन है उसे दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि कोई भी सरकारी जॉब से संबंधित मैं वीडियो लेकर आता हूं तो सबसे पहले आप सभी को जानकारी मिल पाए। चलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।